हिमाचल प्रदेश का सबसे महत्वाकांक्षी योजना भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन अपने पथ पर अग्रसर है। इसका कार्य इस महामारी के दौर में भी बड़ी तेजी से चल रहा है। हालांकि इस महत्वाकांक्षी योजना को लेह लद्दाख तक मंजूरी मिल चुकी है। यहां तक कि श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ साथ पुलों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। हालांकि इस भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन जो काफी समय से लोगों का सपना था, अब लगता है कि हकीकत में बदलने जा रहा है। लगभग 20 किलोमीटर का इसका भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है और इसका प्रथम चरण शुरू हो चुका है। इस रेलवे लाइन के कार्य को शुरू हुए कई महीने का समय हो चुका है। पंजाब से कार्य शुरू हुआ है और 7 सुरंगों का निर्माण इसमें किया जाएगा, जिसके तहत 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जबकि 4 सुरंगों का निर्माण हिमाचल में होगा। इसके अलावा 4 पुलों का निर्माण भी होगा, जबकि 20 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के निर्माण का भी टेंडर 650 करोड़ रुपए का हो चुका है। इसके तहत 10 किलोमीटर पंजाब और 10 किलोमीटर हिमाचल में ये रेलवे ट्रैक बनेगा और पुलों का निर्माण भी होगा। अभी इस चरण में धरोड़ तक रेलवे ट्रैक, पुलों और सुरंगों का निर्माण होगा, जबकि पंजाब में काफी कार्य पूरा हो चुका है। अब हिमाचल में भी कार्य में तेजी आएगी। जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना बिलासपुर भानुपुली रेलवे लाइन के कार्य का वे स्वयं भी निरीक्षण कर चुके हैं और इस कार्य को तीव्र गति से किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है और रेलवे विकास निगम इस कार्य को कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस कार्य में और तेजी लाई जाएगी, जबकि भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जब स्कूल में पढ़ते थे इसकी चर्चा सुनते थे, लेकिन भाजपा सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद इस रेलवे लाइन का सपना साकार होता नजर आया और सांसद अनुराग ठाकुर ने इसे लेह लद्दाख तक सिद्धांतिक मंजूरी दिलाई और कई दिनों से इसका कार्य शुरू हुआ है। पंजाब से लेकर हिमाचल तक 7 सुरंगों के निर्माण पर 450 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा 20 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का टेंडर भी लगभग 650 करोड़ रुपए का हो चुका है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस रेलवे लाइन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहेगा। ये रेलवे प्रोजेक्ट है, ये भानुपल्ली से लेकर बिलासपुर तक प्रथम चरण में बनाया जा रहा है। इसमें जो लैंड एक्विजिशन का काम है पहले 20 किलोमीटर में कंप्लीट हो गया है, उसके बाद का भी जो है उसमें भी काफ़ी प्रगति हो गई है। और साथ ही साथ जो निर्माण कार्य है, रेलवे का जो इनका निगम है, रेलवे विकास निगम, वो निर्माण कार्य कर रहा है। 6 या 7 टनल्स के ऊपर निर्माण काम शुरू हो गया है, साथ में पुलों का भी काम जो है वो शुरू हो गया, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था। बल्कि मैं खुद एक बार दौरा करके आया हूँ, बहुत तेजी से वहाँ पर जो है निर्माण कार्य वो हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके आशीर्वाद से ये भानुपुली बरमाणा रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और इस रेलवे लाइन को लेह लद्दाख तक की भी सैद्धांतिक मंजूरी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी सांसद थे और अभी जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री उन्होंने दिलवाई है। इस रेलवे लाइन की चर्चा जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब से हम सुनते आए हैं, परंतु इसके लिए ना तो कभी बजट का प्रावधान किया गया और ना ही इसके लिए कोई गंभीर प्रयास शुरू हुए। परंतु जब से केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस रेलवे नेटवर्क को हिमाचल प्रदेश में बढ़ाने के प्रयास शुरू हुए। सांसद अनुराग ठाकुर जी ने मेहनत की और इस रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले कई महीनों से इसका काम शुरू है, लैंड एक्वायर कर ली गई है और उसके बाद जो पंजाब से शुरू होकर 7 सुरंगों के टेंडर हो गए हैं, 450 करोड़ रुपए उनको बनाने में खर्च होगा, जिनमें से 4 सुरंगें हिमाचल में बन रही हैं और उसी तरह से 20 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का भी टेंडर हुआ है 650 करोड़ रुपए का, जिसमें पुलों का निर्माण भी होना है। 10 किलोमीटर पंजाब का एरिया है, 10 किलोमीटर हिमाचल का एरिया है। अभी तक सिर्फ धरोट तक ये रेलवे लाइन ट्रैक के निर्माण, पुलों के निर्माण और सुरंगों के
टेंडर हुए हैं और काम शुरू हुआ है। पंजाब में तो काफ़ी जो है काम हो चुका है और अब हिमाचल में भी वो काम चल रहा है। कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ था तो काम थोड़ा बंद हुआ था और अब फिर से काम ने गति पकड़ी है और मैं समझता हूँ कि ये निर्माण कार्य जिस स्तर पर चला है जल्दी ही हमारा ये जो रेलवे लाइन का सपना है ये साकार होगा।